संजय सर, ह्यूमन राइट्स जो संस्था है आज एक कार्यक्रम किया है और शिक्षकों को सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? शिक्षक जो है वो किसी भी समाज की धरोहर होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, और कोरोना के इस महाकाल के अंदर भी इस संस्था द्वारा देश भर से शिक्षकों को बुलाकर, खास तौर से उन शिक्षकों को जो ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में कार्य करते हैं और अलग अलग फील्ड में हैं, गरीब बच्चों को और जो बच्चे वास्तव में जिनको हम सुविधाएँ नहीं दे पाते उनको दिशा निर्देश देते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, बधाई के पात्र वो शिक्षक हैं और बधाई के पात्र ये संस्था ह्यूमन रिसोर्स वेलफेयर काउंसिल है जो इस प्रकार से इनको सम्मानित किया है, और ऐसा ही ये करते रहें ये इनसे आशा है। सर, आपने कुछ सर्टिफिकेट की बात कही है कि हरियाणा की तरफ से हम कुछ सर्टिफिकेट, हरियाणा कला परिषद जो है हरियाणा सरकार का एक अंग है और ये कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जैसे जो शिक्षक हैं वो कला से भी जुड़े हुए हैं और शिक्षक तो खुद स्वयं बहुत बड़ा कलाकार होता है, बहुत बड़ा निर्देशक होता है, इसलिए हम अगर दूसरी तरह से इन्हें सम्मानित नहीं कर सकते क्योंकि अभी आज अपने घर चले जाएंगे, तो सरकार की तरफ से हम सम्मान पत्र इनके पास भेजेंगे जो हमारे को भी गर्व से प्राप्त होगा कि इस सभा के अंदर आने के बाद हमने भी उन शिक्षकों को हमारी सरकार की ओर से सम्मानित किया गया जो इसे योग्य थे। संजय सर, एक सवाल, लेकिन जो आपने पीछे बोला था कि शिक्षक वो शिक्षक नहीं रहे हैं और कुछ छात्र हैं हमारे जो वो भी नहीं रहे हैं, इस तरीके से क्या कुछ बोला था, थोड़ा सा बताएं? उसका कहने का अभिप्राय मेरा ये नहीं था कि वो शिक्षक नहीं रहे, आज भी शिक्षक भी हैं और आज भी एकलव्य भी हैं, और इस धरोहर को बराकर रखना ऐसे लोगों के हाथ में है जो लोग आज सभागार के अंदर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमेशा आप ये समझें कि हर काल के अंदर आपको एकलव्य मिल जाए ये नहीं हो सकता, और हर काल के अंदर द्रोणाचार्य हो जाए नहीं हो सकता, हमें इनको ढूंढना है। इसी प्रकार से जो जो धरोहर यहाँ पर आज उपस्थित हुई है, इसी प्रकार के शिक्षकों की इस देश को ज़रूरत है। समाज का निर्माता भी कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। शिक्षक समाज का निर्माता ही है, शिक्षक ने जिसने गली के अंदर खेलते हुए एक व्यक्ति चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे को महान बना दिया, इससे बड़े शिक्षक की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। प्रोफेसर सर, मैं वो हरियाणा कला परिषद जो है, क्योंकि आपने कहा हरियाणा सरकार के अंडर है, तो ये जो चयन कर रही है आप लोग उसमें पूरा देश से कर रहे हैं, तो उसका क्या रहता है आपका? उसके अंदर तो ऐसा है कि जैसे आज मैं ये अपने अपने है, क्योंकि जो हमारे पास में अपना पावर होती है कि भाई हमने आया देखा कि ये वो लोग हैं जो वास्तव में सम्मान के लायक, और ये संस्था सम्मानित ही ऐसे लोगों को करती है जो सम्मान के लायक होते हैं, तो इसलिए हमने जो है फ़ोन बीच में मैंने मांगा था अपने पीए से, तो मैंने स्वीकृति उसकी प्राप्त कर ली थी, तो उससे मोहर लगी, तो आप जब बैठे हैं तो अच्छे लोगों को सम्मानित करेंगे, इसलिए अपने एक सवाल। भारती जैन, आप बैठी हैं, आप जो नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल हमेशा 2000 लोगों को, शिक्षकों को और जो भी सम्मानित अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में, उनको सम्मानित कर चुकी है और उनको आगे बढ़ा चुकी है कला की दृष्टि में, शिक्षा की दृष्टि में, तो ये हमारा कार्य ही नहीं है। अभी जो कोरोना में प्रॉब्लम रही थी काफ़ी, जो आर्टिस्ट वगैरह को थे उनकी लाइवलीहुड छीन ली गई, तो आप लोग उसमें कोई फाइनेंशियल पैकेज देंगे अभी, ऐसा कुछ प्लान? नहीं, कोरोना के उसमें हमारी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है हर एक फील्ड में, जैसा कि हम स्लम एरिया में जा कर के, और उसमें हम उनको घर के लिए जो भी कुछ भी हो रहा है हम उसका बहुत अच्छे से कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आप भी कुछ बोल देंगे? थैंक यू वेरी मच सर, सबने बोलते हैं।